गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना सुनील स्वागत करता हूं दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरू करते हैं 8 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जो कल पूछा था उसका जवाब दे देता हूं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? कल मैंने आपसे पूछा था कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और कुछ बच्चों ने तो इसके बारे में डिटेल से भी लिखा है। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना मानने के लिए। आज भी आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका भी आप तहे दिल से मन लगा के अच्छे से उसका जवाब दीजिएगा डिटेल से। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में क्रिकेटर बॉब विलिस पूर्व कप्तान का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो वह कौन से देश के रहने वाले थे? रिसेंटली क्रिकेटर बॉब विलिस फॉर्मर कैप्टन डाइज एट 70, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो वो रहने वाले थे इंग्लैंड के, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है बॉब विलिस। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1949 में और 2019 में अभी इनका देहांत हुआ है। इनको जो कैंसर, थायराइड कैंसर था, इस वजह से इनका देहांत हुआ है अभी। ये आपके फास्ट बॉलर थे, इंग्लैंड के, इंग्लैंड कैप्टन भी रहे हैं ये आपके। और बात क्या करें, इनकी अच्छी बात जो याद आती है, सुपर परफॉर्मेंस रही थी इनकी 1981 के दौरान। ठीक है, 1981 में क्या किया था इन्होंने, एसेज सीरीज जीती थी और इंग्लैंड ने वो सीरीज ना ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा के जीती थी और वो सीरीज के लिए काफी जाने गए थे बॉब विल्स। चलिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और उससे पहले आपको मैं इंग्लैंड का मैप भी दिखा देता हूं। ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी है आपकी इंग्लैंड या यूके, उसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। राजधानी लंदन है और पौंड स्टर्लिंग जो है वो करेंसी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 2019 को, यानी कि हर साल 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ए ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो सही है। इसे मनाता कौन है, तो इसे मनाता है हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो मनाता है। और क्यों, जो शहीद हुए हैं अब तक उनके परिवार जनों को सांत्वना देने के लिए और शहीदों को थोड़ा याद करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। और ये इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री है राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये इसके मिनिस्ट्री में शामिल है राजनाथ सिंह। बेसिकली मैंने निर्मला सीतारमण का नाम इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये पहली ऐसी महिला थी जो कि आपकी रक्षा मंत्री रह चुकी है, पूर्णकालीन पहली महिला रक्षा मंत्री थी ये, इस वजह से इसका नाम लिखा है ताकि आपको याद भी रहे। नेक्स्ट है हमारा, हु रिसीव्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2019 पोस्थूमसली। एक बहुत अच्छा वोकैब का वर्ड है पोस्थूमसली, का मतलब ये होता है कि मरने के बाद, मरणोपरांत, मरने के बाद में कोई भी अगर अवार्ड दिया जाता है तो उसे हम लोग पोस्थूमसली के नाम से जानते हैं। तो ये अवार्ड अभी हाल ही में मिला है लिनी सजेस को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है लिनी सजेस, और इनको मरने के बाद में या मरणोपरांत जो है ये अवार्ड दिया गया है 2019 का। ये क्यों मिला है, क्योंकि एक बेसिकली नर्स थी और निपा पेशेंट जो थी आपकी, निपा पेशेंट थी ये, निपा वायरस के कारण की जो है वो मौत हो गई थी। और ये अवार्ड अभी इनके पति जो है आपके हस्बैंड है साजेश, उनको मिला है। ये साजेश को ये अवार्ड दिया गया है और कोजी कोड के रहने वाले हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं। और इनके अलावा 36 नर्सों में से इनको शामिल किया गया है ये पोस्टुमस अवार्ड देने के लिए, या पोस्टुमस नाइटिंगल अवार्ड देने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको ये जो है वो अवार्ड दिया है, ये बात आप जो है वो याद रखिएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि नर्स प्ले अ विटल रोल इन आवर सोसाइटी, जो नर्सिस होती है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर आईपीओ? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
जो है इसकी घोषणा की है, तो ये घोषणा की है सऊदी अरामको ने, ये कंपनी का नाम है सऊदी अरामको, और इसने दुनिया का सबसे बड़ा, ये सऊदी अरामको जो है कि ऑयल कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा यानी कितना 25.6 बिलियन डॉलर, 25.5 बिलियन डॉलर जो है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है अब तक का गल्फ नेशन स्टेट ऑयल कंपनी है, ये बनाने की घोषणा की है इन्होंने हाल ही में। सऊदी अरामको के बारे में जाने तो ये आपको जैसा कि मैंने बताया ये ऑफिशियली सऊदी अरेबिया की एक तेल कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1933 के अंदर और हेडक्वार्टर इसका सऊदी अरेबिया के अंदर ही है आपका, ठीक है, दहारन के अंदर एक जगह है आपकी दहारन। सीईओ का नाम है आमीन एच नासिर, और इसका रेवेन्यू की बात करते हैं 2018 के अकॉर्डिंग तो 35,590 करोड़ है अमेरिकी डॉलर, यूएसडी। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए सीबीएसई सब्जेक्ट फ्रॉम 2019-20 एकेडमिक ईयर। वाओ व्हाट ए क्वेश्चन, सच में बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2019-20 की शैक्षणिक वर्ष में निम्नलिखित विषयों में से सीबीएसई ने कौन सा विषय जो है वो जोड़ दिया है, वो जोड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन सही है। ये जोड़ना बहुत जरूरी था, अपडेट होना बहुत जरूरी था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जो है वो सीबीएसई ने एड किया है 2019-20 के सभी सीबीएसई स्कूलों के अंदर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती क्या है, ये बेसिकली फिफ्थ जनरेशन है आपकी एक ये, और टीचिंग लर्निंग एंड आपकी एक नई जनरेशन की जो है, जैसे अपने आप सो, जैसे आप केवल सोचते हैं। मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि महाराष्ट्र पुलिस जो है उन्होंने हाल ही में एआई बेस्ड ऐसे वैन लगाई है जहां पे 3 किलोमीटर दूर से ही ओवर स्पीडिंग अगर कोई बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है तो पता लगा लिया जाएगा उसका, ठीक है, और अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो पता लग जाएगा, और अगर मान लेते हैं किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं वो, तो होगा क्या, कोई वहां पे पुलिस वाला रुकाएगा नहीं, केवल उसका नंबर प्लेट का फोटो क्लिक करेगा, वहां पे कैमरा लगा हुआ है और तुरंत उसका चालान जो है घर पहुंच जाएगा, जैसे कि बाकी फॉरेन कंट्रीज में होता ही है लेकिन इंडिया में ये पहली बार ऐसा हो रहा है आपका। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड है जो अपने आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसकी खोज जॉन मकार्थी ने की थी। और अगर बात करता हूं मैं सीबीएसई की तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना 2011 में हुई है आपकी, और इसके चेयरपर्सन का नाम है अनिता कारवाल जो है सीबीएसई के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस मेड इट्स डिबेट इन रशिया इन राज्यसभा ऑन दिसंबर 6। निम्नलिखित में किस भाषाओं में से 6 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में अपनी शुरुआत की है, राज्यसभा के अंदर हाल ही में संथाली भाषा का भी उपयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। संथाली डिबेट जो है हुई है राज्यसभा के अंदर पहली बार आपकी 6 दिसंबर 2019 को, और ये जो आपकी एस्ट्रोनॉटिक लैंग्वेज है लगभग ज्यादा आपकी ओडिशा जो है, ओडिशा ट्राइब्स ये है इसको बोलते हैं, 22 भाषाओं में से ये भी एक लैंग्वेज है, और इसे बिजू जनता दल एमपी जो है सरोजनी हेम्ब्रम जो है उन्होंने इसका मुद्दा उठाया था कि ये मतलब लगभग इन्होंने क्या किया था ड्यूरिंग जीरो आवर्स के दौरान, ये बात ही कि इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग जीरो आवर्स होनी चाहिए, बहुत जरूरी है पब्लिक के लिए सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे हो, तो पहली बार बात कर सकते हैं संथाली जो है राज्यसभा में बोली गई है आपकी, 22 भाषाओं में शामिल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी पर एशियाई प्रशांत क्षेत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इस पे जो मेजबानी करने वाला है वो हमारा प्यारा देश भारत ही करने वाला है, डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का। 4 दिन का ये कॉन्फ्रेंस होगा, एशियन पैसिफिक एसोसिएशन होगा, किसका होगा, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी का होगा ये, 12 दिसंबर 2019 तक ये होने वाला है आपका, और इंडिया इसमें होस्ट करेगा एनुअल इवेंट जो है, और 11 सालों के बाद ये होस्ट कर रहा है इंडिया, और इसमें 4,000 डॉक्टर जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन से इसमें हिस्सा लेने वाले हैं आपके। नेक्स्ट है हमारा विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ ग्लोबल मलेरिया केसेस एज पर द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश ने वैश्विक मलेरिया मामलों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की है, तो सबसे ज्यादा मलेरिया जो है दुनिया में वो है नाइजीरिया देश का, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा इस क्वेश्चन का। हाल ही में एक मलेरिया 2019 की रिपोर्ट आई है, आपने रात मेरा जो है कंप्लीट व्यू देखा होगा, मैंने रात 9 बजे उसको पढ़ाया था आपको, तो आप उसे आपने देख ही लिया होगा। ये मैप में आपका नाइजीरिया नजर आ रहा होगा, नाइजीरिया की करेंसी है नाइजीरियन नाइरा, और यहाँ की कैपिटल है अबुजा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2018 में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी किस देश में देखी गई है आपकी, ठीक है, 2018 से उसके बाद में कह सकता हूं या 2019 की जो रिपोर्ट आई है मैं वैसा भी कह सकता हूं, 2018 के बाद से कह दो आप लोग या इस क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके कह दो, 2019 की जो मलेरिया की रिपोर्ट है उसके अंदर सबसे कमी किस देश में देखी गई है, तो हमारे प्यारे भारत देश के अंदर ही कमी देखी गई है। ये भी आपने रात जान ही लिया होगा वीडियो के अंदर, भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा मलेरिया की जो है वो परसेंटेज कमी हुई है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, ठंड लग के तेज बुखार होता है मलेरिया से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के प्लॉगिंग एम्बेसडर कौन बने हैं, तो हाल ही में प्लॉगिंग एम्बेसडर बने हैं भारत के रिपुदमन बेविल। डी ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है रिपुदमन। अच्छा सर प्लॉगिंग क्या होता है, तो प्लॉग रन एक प्रकार की यूनिक वे होता है, जब आप रनिंग कर रहे होते हैं सुबह सुबह उस टाइम पे जो भी कचरा पड़ा होता है उस कचरे को उठाओ और डस्टबिन में डाल दो, साफ सफाई का एक है स्वच्छता अभियान के तहत है आपका, तो इस वजह से प्लॉगिंग एम्बेसडर जो है इन्होंने शुरुआत की है कि सुबह सुबह इतना तो काम सभी लोग कर ही सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हु इज द करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं वो कौन है, आप बताइएगा कमेंट में मुझे, और जितना भी डिटेल आपको पता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलेगा प्यारे बच्चों आज संडे है, एंजॉय कीजिएगा, हैप्पी संडे, कल मिलते हैं हम लोग सुबह इसी टाइम पे, तब तक के लिए आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे, थैंक यू सो मच। और आज दिन में एक महान शख्सियत की मैं बायोग्राफी लेके आने वाला हूं, तो आप वो देखना बिल्कुल ना भूलें, बहुत डिटेल होगी आपके लिए उसमें। थैंक यू सो मच।